आप सभी लोगों पीयू किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सहजन की सब्जी, कि जो बच्चे भी तो पसंद नहीं करते हैं सहजन की सब्जी खाने में, जो बड़े लोग भी नहीं पसंद करते हैं। तो अगर ये ट्रिक्स आप बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा। तो चलिए अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो देखिए जो है हमारा ले लिए हैं 250 ग्राम जो है सहजन, हम लिए हैं एक मीडियम साइज़ का, जो है थोड़ा बड़ा साइज है। हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, इस सब्जियाँ में आलू पड़ता है तभी अच्छा लगता है, तो बच्चे ज़रूर खा लेंगे। ये बिना आलू की सब्जियाँ ये सहजन की नहीं बनती है। तो हम सूखी वाली सब्जियाँ ना बनाएंगे, थोड़ा हम लुटपुटार बनाएंगे कि जो सबको पसंद आएगा खाने में, एकदम चाट चाट कर खाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमने इसका छिलका निकाल कर इसको हमने छोटे छोटे पीसेस को हमने कटिंग कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबका छिलका निकाल कर इसको हमने कटिंग कर दिए हैं। तो हमने आपको एक बहुत नए ट्रिक बताने जा रहे हैं, कि आप एक बार अगर ये पूरी वीडियो आप लोग देख लेंगी तो आप इसी ट्रिक से जो बार बार बनाएंगे आप रह भी ना नहीं जाएंगे। अगर आपके घर पर इसका पौधा है तो आप तो ज़रूर बनाएंगी, नहीं है तो आप मार्केट से तो यकीन लाकर ही बनाएंगे। ट्रिक से इतना टेस्टी भी है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। खाने में जो सारे रोगों को जो है ख़त्म करता है इसका पत्तिया भी। और तो यहाँ पर आप देखिए हम इसके जो छिलका इसका निकाले हैं ना, तो इसका वो जो बड़े छिलका है हमने एक ले लिए हैं इसकी नस। तो उसी नस से जो है हमने 4-5 जितना हो 10 भी बना जाए, तो आप यहाँ पर एक हम इसका जो है अच्छे से हम एक जगह जुटाकर हमें यहाँ पर एक गट्ठी जैसे हमें बनाना है, इसी तरह जो है हमने इसको बांधना है। हम इसलिए यहाँ पर बांधे हैं ना कि अगर हम सब्जी बनाएंगे तो ये बिखरेगा सब्जी के अंदर नहीं और ये गलेगा भी नहीं, जो खाने में इतनी टेस्टी लगेगा। तो ये ऐसी सब्जियाँ हैं कि आप इसी तरह डाल देंगी अगर रसा में पकने के लिए, तो जो है गल जाएगा तो मुँह में निकालने में बहुत अजीब लगता है। तो आप अगर ये ट्रिक से बांध कर बनाएंगे इस सहजन को तो ज़्यादा गलेगा नहीं, जो खाने में इतना टेस्टी लगेगा, आप जैसे खाकर नीचे इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए इसी ट्रिक से जो है हमने सब यहाँ पर सहजन को जो 4 डंठल हो 5 डंठल हो जितना हो आप यहाँ पर एक बांध लेने का इस तरीके से, तो ये बहुत आसानी से जो है बना भी जाएगा। अब बनाएंगे तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि हम आपसे क्या बताएं, ये इतनी हेल्थी भी है खाने में। तो ये सब्जियाँ तो हेल्थी तो है, अगर आपकी चोट लगा है तो आपके चोट को भी ये घाव को भी ख़त्म कर देगा, तो ये बहुत हेल्थी है। आप इसकी सब्जी ज़रूर बनाकर खाइए और सभी को पसंद आएगा ये ट्रिक से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने आलू को कटिंग कर लिए हैं, 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लेते हैं प्रेशर कुकर, तो हम कुकर में जो हम जितना बांधे हैं सहजन को यहाँ पर उसको भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है आलू और सहजन हमने बापने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिए हैं कुकर में और थोड़ा सा पानी लें। तो चलिए इसको हम कवर कर देते हैं गैस पर और हमें इसको रख देते हैं सीटियाँ लगाने के लिए। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी है एक सीटी यहाँ पर लग गई है, तो इसका जो है सीटियाँ निकल गई थी। तो हमने यहाँ पर देखिए एक भी थोड़ा भी जो है गला नहीं है, अच्छे से जो है आलू ने पक गया है। और जैसे ये डंठल का ये जो है डंठली है देखिए छूटा भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो है अब बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, आपकी जो सब्जियाँ हैं ना 10 मिनट में जो बनने वाली है वो आपकी सब्जियाँ 5 मिनट में बन जाएगी, हल्का से आप इसको बाफ देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने गैस पर रख दिए कढ़ाई, तो कढ़ाई में हमने ले लिए हैं सरसों का तेल है और 1 चम्मच हम लिए हैं राई, कोई भी राई छोटी बड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और जीरा, अगर राई नहीं है तो जीरा भी ले सकते हैं। तो देखिए इधर जो है हमारी राई चटकने के बाद हमने तो हमारी 2 प्याज थी तो जो उसको भी हम यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। तो कटिंग करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर ऑयल हमारा राई चटकने के बाद हमने ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं जो है बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप ये ट्रिक से ये सब्जियाँ को बनाकर खाएंगे, इतनी टेस्टी भी है, हम आपसे क्या बताएं। अगर बच्चों को नहीं पसंद है ना तो सभी को पसंद आएगा, क्यों पसंद आएगा, जो उसकी हम बांध दिए हैं ना एकदम आपके एक बिखरा बिखरा नहीं दिखेगा, एकदम खड़ा खड़ा ये दिखेगा कि सबको पसंद आएगा। तो देखिए हम तीखा अनुसार थोड़ा सा हमने लिए 3 से 4 हरी मिर्च और आधी और लहसुन का पेस्ट हम बना कर रखे हैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और जो टमाटर 2 लिए थे उसको भी हमने कटिंग करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखिए अच्छे से हमें भूनना है यहाँ पर चलाते हुए, नीचे पकड़ ना ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टमाटर है सॉफ्ट हो, तो अच्छे से टमाटर को पकने के बाद ही आप मसाला यहाँ पर लेना, जल्दीबाजी नहीं करने का है। तो देखिए अच्छे से टमाटर जो है पक गया है, तो हमने
एक चम्मच ले लिए हैं गरम मसाला और एक चम्मच लिए हैं हमने हल्दी पाउडर। और यहाँ पर हमने लिए हैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। जो लाल मिर्च का पाउडर है ना वो तीखा नहीं होता है, आप तीखे के लिए चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं और हरी मिर्ची भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आधा चम्मच हमने वहाँ पर ले लिए हैं जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं दो चम्मच सूजी। तो आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली भी सूजी ले सकते हैं, थोड़ी उससे भी आती है जारी वो भी ले सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर मसाला को मिक्स करते हैं। अगर सूजी आपके पास नहीं है तो थोड़ा आप आधा कप दही ले सकते हैं। तो देखिए जो है हमारे मसाला अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं। और तीखा के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो देखिए हम थोड़ा सा आधा कप यहाँ पर पानी ले रहे हैं। पानी का डालते हुए जो हमने मसाला को पकाएंगे, गैस का फ्लेम जो एकदम स्लो रख देंगे, हमारी जो सब्जियाँ बनेगी ना इतनी टेस्टी बनेगी कि बच्चों को तो नहीं पसंद आता है, बड़े क्या बच्चे भी आपके एकदम थाली और उंगलियाँ सब चट जाएंगे ए ट्रिक से आप बनाएंगे तो। तो देखिए हमने यहाँ पर तो थोड़ा लुटपुटार सब्जी हम बनाने वाले हैं। ये सब्जियाँ जो है खाने में थोड़ा लुटपुटारी अच्छी लगती है, सूखी सब्जियाँ ये तो बनती नहीं है सहजन की, तो आप सूखी भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हमने फिर से एक कप पानी ले लिए हैं, आप अपने फैमिली के हिसाब से आप बना सकते हैं और पानी यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ले लिया, हमने नमक मसाला डालते समय भूल गए थे, तो यहाँ पर हमारा स्वाद अनुसार नमक हो गया। तो इसको देखिए इसमें उबाल जो है आने लगा है, तो हम अपना जो सहजन उबाल कर रखे हैं उसको भी यहाँ पर हमने ऐड कर देते हैं। तो हमारी सब्जियाँ जो है रेडी पक कर तैयार है, हमारा मसाला भी पक गया है और हम आलू को और सहजन को तो हमने बफा कर रखे ही हैं। तो हमारे सिर्फ मात्र घड़ी से देखे हुए हमारे 2 मिनट लगेगी हमें इसको पकाने में। तो हमारा अच्छे से जो है पानी ऐसे से पक जाएगा तो हमारी 2 मिनट में सब्जियां जो है बन जाएगी। तो देखिए जो है हम इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 1 मिनट हो गया है इसको हमने देखते हैं अभी हुआ है कि नहीं, तो एक बार हमें बीच में इसको चला देने का है। तो आप देख सकते हैं अभी जो पानी है थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए खुला है नहीं खुला है, तो इसको हमने फिर से कवर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट पूरा हो गया है, तो हम इसको देखते हैं फिर से। तो देखिए जो है हमारा थोड़ा लुटपुटार सब्जियाँ बनकर तैयार है। ये हम गैस का अपने आपको देखने में ज़्यादा पानी है पर ज़्यादा पानी नहीं है। देखिए टेस्ट के लिए हमने ले लिए यहाँ पर कुछ हरी धनिया की पत्ती, कई गुना जो है इसका टेस्ट है बढ़ जाएगा। अगर हरी धनिया नहीं है तो कोई बात नहीं, इस टाइम तो सीजन ही है।